चलिए बढ़ते हैं आगे, एक बड़ी और अहम जानकारी की बात करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी आपको बता दें, रेवाड़ी नगर परिषद का एक और कारनामा सामने आया है। एक और कारनामा, रेवाड़ी स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान की आड़ में सरकार को चूना लगाया जा रहा है। इटली से मंगाई गई 1.5 करोड़ की मशीन बेकार पड़ी हुई है। 1.5 साल पहले इटली से ये सफाई वाली मशीन मंगवाई गई थी। लाखों रुपए के डस्टबिन पहले से कबाड़ बने हुए हैं और अब एक और कारनामा सामने आ गया है। जिस मशीन को इटली से मंगवाया गया था वो अब कूड़ा बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। धूल मिट्टी को साफ कराने के लिए इस मशीन को मंगाया गया था, लेकिन अब इस मशीन पर खुद धूल मिट्टी जमी हुई है। 1.5 करोड़ की लागत से मशीन मंगवाई गई थी। लाखों रुपए की कीमत के डस्टबिन भी शोपीस बने हुए हैं और अब जो मशीन 1.5 करोड़ की लागत से मंगवाई गई थी वो भी बेकार पड़ी हुई है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये आज से नहीं, बहुत साल पहले, कई सालों से चल रहा है, लेकिन नगर परिषद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और ना ही इस तरफ किसी अधिकारी ने देखा। क्यों, जब भी अधिकारी आते हैं तो खाली खाली पूर्ति करके चले जाते हैं। और एक बार डब्बा भी रखा था, जिसके कारण यहाँ वो कूड़े डालने के लिए रखा गया, लेकिन उसमें ना तो कोई अच्छी तरह लगाया गया, ना किसी तरह वो ऊपर करके लगा दिया था। संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं। और संवाददाता श्याम बाटला जुड़ गए अधिक बातचीत और जानकारी साथ। श्याम, एक तो पहले से डस्टबिन बेकार पड़े हुए थे जिनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया, और अब जब 1.5 करोड़ की लागत से मशीन मंगवाई गई तो उसका इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? श्याम जी बिल्कुल, देखिए पराग, आपको बताना चाहेंगे कि नगर परिषद अपने कारनामों के कारण से हमेशा सुर्खियों में रहती है। कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो तो आए दिन नगर परिषद फ्रंट लाइन की हेडलाइन बनती है अपने कारनामों को लेकर। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, ताकि भारत को, भारत के हर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए और इसके लिए कहीं भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। करोड़ों रुपए का बजट भी इसके लिए हर जिले को, नगर परिषद नगर पालिका को दिया था, लेकिन उसका वास्तविक जो यूज होता है वो वहां नहीं होकर धरातल पर तो कुछ और ही दिखाई देता है। रेवाड़ी के अंदर अभी 1.5 साल पहले इटली से 1.5 करोड़ रुपए कीमत की एक ऐसी मशीन मंगाई गई थी जो सड़कों की सफाई के लिए, जो धूल मिट्टी और डस्ट वगैरह होती है उन्हें साफ करने के लिए मंगाई गई थी, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके और सड़कें हमारी शहर की चमचमाती नजर आनी चाहिए, ताकि इस डस्ट के कारण से ना तो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर कोई असर पड़े और ना ही पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ पाए। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद ही ये अब ये सफेद हाथी बनकर नगर परिषद को की शोभा को बढ़ा रही है। और 1.5 करोड़ रुपया आखिर क्यों जनता की गाड़ी कमाई को इस प्रकार से व्यर्थ किया गया, जिसका कोई अब यूज भी नहीं हो रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जी जाहिर तौर पर ये सीधा राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करते हुए इन मशीनों को मंगाया गया, डस्टबिन को मंगाया गया, ताकि स्वच्छ भारत का जो सपना है उसको हम साकार कर सकें। लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? श्याम आप पराग, देखिए केवल ये बात सिर्फ इस मशीन तक ही खत्म नहीं हो जाती। आपको बताना चाहेंगे रेवाड़ी को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर करोड़ों रुपए के यहाँ पर डस्टबिन भी लगाए गए, स्मार्ट डस्टबिन, शहर के अंदर 8 स्मार्ट डस्टबिन बनाए गए, जगह जगह शौचालय बनाए गए और उनके ऊपर लाखों रुपया सफाई व्यवस्था के नाम के ऊपर खर्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान की आड़ के अंदर ये पैसा जो आया। लेकिन इसका कोई हिसाब अगर हम मीडिया अगर कोई हिसाब जानना चाहे, प्रशासनिक अधिकारी हिसाब जानना चाहे, तो इसका जवाब जो है नगर परिषद अधिकारी और जिला प्रशासन के पास भी नहीं है। कई बार मीडिया के संज्ञान में आने के बाद जब अधिकारियों से पूछा जाता है, उनके बिलों के बारे में पूछा जाता है, इन पर किए गए खर्च के बारे में पूछा जाता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और ऐसे में जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों पर सवालिया निशान उड़ना भी लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका श्याम, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। संवाददाता श्याम बाटला हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे किस तरह से स्थिति है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं।